के के दिखा मुझे। के दिखा मुझे, के दिखा मुझे हाँ मैं अभी कॉल करती हूँ किसको करती हूँ ये तुम सोच करो, हो कभी तुम्हारी हिम्मत कैसे नंबर क्या कर कैसी होगी फ्तर लोगों का काम ये नहीं है कि लेडीज सड़कों पर यह कुछ करती फिरें और आ, उनकी ड्यूटी है ये तो एक कानून है जो मतलब उसे फॉलो करना चाहिए अगर ट्रैफिक वार्डन अपनी ड्यूटीज़ का ख्याल रखें उनके रिस्पेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नहीं कहते तो फीमेल्स को भी उनके साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए हम गलत खड़े हैं वो आ जाए हम चलान करवाने के लिए तैयार हैं। है कि हम के ये तो नहीं करेंगे कि उनका गिर पकड़ लेंगे ये तो गलत बात है ना इनके ऊपर अगर प्रेशर करेंगे इन्हें जॉब से निकाल देंगे या कुछ करेंगे तो ये हमारी तो हमारे लिए ही ये लोग ड्यूटी दे रहे हैं हमारे लिए ही कर रहे हैं अपने आप को कुछ समझते हैं तो वो जनाब इस नैच पे पहुंच जाते हैं कि वो थप्पड़ भी मार देते हैं हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए वो भी इंसान है सारा दिन ड्यूटी देते हैं यहाँ पे उनके लिए ये जरूरी है कि उनका एहतराम किया जाए लोग बहुत ज़्यादा बहस करते हैं उनके साथ बततमीजी करते हैं जो इंतहाई गलत बात है आवाम को चाहिए इनके साथ पूरा कोऑपरेट करें अपने लाइसेंस अपनी चीज़ों की सारी ख्याल करें और ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करें कानून तोड़ना और कवानी पर अमल दरामद ना करना हमारा मजमूरी रवैया बनता जा रहा है एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। इसका मुज़ाहरा आए रोज़ हम सड़कों पर देखते हैं लोग ट्रैफिक कवानी तोड़ते हैं और फिर ट्रैफिक वार्डन्स के साथ तलह और हाथापाई भी करते हैं खास तौर पर खवीन में आजकल ये रुझान बढ़ता जा रहा है इसकी क्या आते हैं जानते हैं सैयद सीट सैयद हमाद अभी साहब से सर ये लोग जो हैं कवानी तोड़ते हैं और भी ट्रैफिक वार्डन के साथ तलहकरामी भी करते हैं इसकी क्या वजह है इसकी वजूहत मल्टीपल हैं और इसको सिर्फ़ हम क्लब ख़वात के साथ नहीं कर सकते जहाँ पर हम देखते हैं कि खातान इसलिए ज़्यादा प्रमिनेंट हो जाती हैं या न्यूज़ का हिस्सा बन जाती हैं क्योंकि उनकी रेशो कम है ड्र, ड्र, ड्राइवर्स की अभी तो ख़्वीन का मोटरबाइक के भी लाइसेंसेस हो गए हैं फिर आपने देखा होगा कि बहुत थोड़ी तादाद में वुमेन मोटरसाइकिलस्ट हैं रोड के ऊपर तो जब वो कोई ऐसी चीज़ करती हैं तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा हाई होती है और हमें ज़्यादा नज़र आती है तो इसको एक तो हम बिल्कुल भी क्लब नहीं कर सकते इन रवैयों को सिर्फ ख़ुत के साथ हाँ कुछ ईशूज़ हैं वो उस पर मैं बात करूँगा जहाँ तक बात है ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारे जो मेल मेंबर्स हैं जो मेल रोड यूज़र्स हैं उनके साथ भी ये इश्यूज़ होते हैं आए दिन और उसमें पिछले दिनों भी एक वाक़ हुआ यहाँ पे जिसमें बड़ी वो वीडियो वायरल हुई और डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स के ऊपर चलती रही तो अगर वो उसी को एक केस स्टडी हम लें तो अगर हम देखें तो वो आ, जो ख़ातून है शी बिलोंग्स टू एन एजुकेटेड फैमिली पढ़ी लिखी हैं तो इसको फिर हम तालीम के साथ भी क्लब नहीं कर सकते उसकी वजूहत क्या हो सकती हैं कि उस टाइम के ऊपर जब कोई ट्रैफ़िक वार्डन रोकता है एक तो बाय नेचर जो इंसान है वो रिस्ट्रिक्शंस को एक्सेप्ट नहीं करता हम लोग आज़ाद तबीयत और एक आज़ादाना हमारी एक फ़ितरत में शामिल है तो जब भी कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती हैं तो हम रिएक्ट करते हैं हमारे मुल्क में ज़्यादा इस तरह के केसेज़ होते हैं बिकॉज़ यहाँ पर रिट ऑफ दी गवर्नमेंट उस तरह नहीं है जिस तरह बाहर के ममालिक है कवानीन तो बने हुए हैं लेकिन उनके ऊपर उस लेवल की अमलदारी नहीं होती और अगर इंडिविजुअल्स की बात ले लें लाहौर की हम मिसाल ले लें हमारे ट्रैफिक वार्डन्स के साथ जिस तरह आपने बात की अगर उसके ऊपर इसको अप्लाई करें तो उस टाइम के ऊपर जिस टाइम पे एक वायलेटर को चेक किया जाता है तो वो किस जहनी कैफियत से गुजर रहा होता है उसके क्या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं क्या पता वो किसी मेडिकेशन के ऊपर हो क्या पता उसके कोई और सोशल इश्यूज इस तरह के हों कि बड़ी वो स्ट्रेस में है गर्मी में है कोई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं तो उनमें ये वाली टेंडेंसी बढ़ जाती है या कई ऐसे लोग हैं जो कि इस तरह के ड्रग्स ले रहे होते हैं कि उनके अंदर उनकी जहनी कैफियत ऐसी होती है कि उनको जब चेक किया जाता है तो वो रिएक्ट करते हैं तो इस तरह के केसेस देखने को मिलते हैं ये हो सकती हैं दूसरा ये है कि अगर ख़वातन की हम खाली बात करें तो ये एक टेंडेंसी है कि अगर उनको चेक किया जाए तो हम लोग वो सिम्पती फैक्टर लेने की कोशिश करते हैं खवतन हमेशा कहती हैं कि अगर तो वो रिस्पेक्टफुली बात कर लें तो वो प्रॉब्लम्स नहीं होती जिसा कहते हैं ताली दोनों हाथों से बचती है एक हाथ से नहीं बचती तो जब किसी को रोका जाता है हमारे ट्रैफिक वार्डन्स हमेशा कोशिश करते हैं कि पहले सलाम फिर कलाम और हमारी सोसाइटी के जो एक सोशल फैब्रिक है उसके अंदर भी हम लोग खुतिन का एहतराम करते हैं और हमारा दीन भी ये सिखाता है तो हमारे ट्रैफिक वार्डन्स बहुत मोहतात होते हैं जब किसी फीमेल मोटरिस्ट को रोकते हैं किसी वायलेशन पे तो उनके साथ देखने में आता है कि डिस्कशंस भी होती हैं आर्ग्यूमेंट्स तक बात चली जाती है और आगे बड़ी ऑट सी सैनारी में कन्वर्ट हो जाता है तो उसके लिए आ, मेरे अंदाजे के मुताबिक हमें अपने जितने भी अमूमी रवैये हैं उनमें तब्दीली लाना होगी उसमें हर किसी को अपना पार्ट प्ले करना है पार्ट कैसे प्ले कर सकते हैं कि एस पेरेंट्स हमें अपना पार्ट प्ले करना है और उनको सिखाना है कि जो रोड के ऊपर खड़े हैं लोग वो आपकी हिफाजत के लिए खड़े हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी है इस यूनिफॉर्म की हमने रिस्पेक्ट करनी है उसको इज़्ज़त देनी है इसको इज़्ज़त देंगे तो तभी रूल ऑफ़ लॉ रहेगा इक्वल एप्लीकेबिलिटी ऑफ़ लॉ रहेगी और उसी से वतनी भी पैदा होगी एट द सेम टाइम पेरेंट्स को अपना किरदार अदा करना है हमारे एल्डर्स को किरदार अदा करना है और हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनको सबसे ज़्यादा कलीदी किरदार अदा करना है हमारे एजुकेशन सिस्टम इस तरह का है कि हम लोग सिर्फ एकेडमिक्स ओरिएंटेड और ग्रेड कॉन्शियस हमने बच्चों को बनाया हुआ है एजुकेशन के ऊपर तो फोकस है लेकिन तालीम के साथ साथ तरबियत भी करना बहुत ज़रूरी है तो ये तमाम चीज़ें और तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर जब अपना किरदार अदा करेंगे तो उससे बहुत पॉजिटिविटी मुझे उम्मीद है कि आएगी हमारे ही लोग जब बाहर जाते हैं तो वो तरक्याफ़्त ममालिक में जाते हैं तो वहाँ के कवानीन की पाबंदी करते हैं लेकिन जब वापस आते हैं तो हमारे मुल्क के कवानीन को तोड़ते हैं और फिर बदमाशी भी करते हैं इसकी क्या वजह है इसकी रीज़न मेरे ख्याल में इस तरह है कि ये वाला जो हमारा टिपिकल जो एक माइंड सेट है ये सब कॉन्टीनेंट जब हिंदो पाक दोनों अलीहदा थे उस जमाने से हमारा ये वाला उस दौर से ये वाली चीज़ें हम, हमें देखने को मिलती हैं कि यहाँ पे वो फ्यूडलज़म और ये वाली चीज़ें और चौधराहट वाला कॉन्सेप्ट वो हमारे इस साइड पे और हमारे जो हमसाया मुल्क है वहाँ पे भी ये वाली चीज़ें देखने को मिलती हैं बिकॉज़ वी हैड बीन अंडर द कलोनील रूल और ये वाली चीज़ें हम लोग देखते रहे और उसके अंदर ये है कि बड़े ऑट से डायलॉग्स हमारे ट्रैफिक वार्डनस को मिलते हैं जब किसी को रोकते हैं तो अगला बंदा कहता है तू मैं जानता नहीं तेरी जरूरत क्यों हुई मैंने रोकन दी या फ़ोन उठा लेंगे फ़ोन मिला के पकड़ा देंगे तो बड़ी एक और सी सिचुएशन होती है लेकिन आपने पिछले दिनों भी देखा जो एक इंसिडेंट हुआ उसमें हमारे ट्रैफिक वार्डन्स ने बहुत जब्त का मुजाह किया बड़ा सब्र और बुरद्वारी का मुजाहरा किया और अलहमद अगर वह खुदा ना खासा रिएक्ट करते वो आगे खातून थी तो वो टेबल्स वुड हैव टर्नड और सिचुएशन बिल्कुल अपोज़िट हो जाती और वहाँ पर हुई वाला ख़वान वाला फैक्टर आ जाता कि हवा की बेटी पर म हो गया एक और तारीख़ रकम हो गई और पुलिस का तशद ये वो तो ये बड़े इस तरह के हैं रवैये है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए तमाम को कि हम लॉ अबाइडिंग बने और अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए और उसके अंदर एक और फैक्टर जो बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि हम एज़ पेरेंट्स आ, उसको इनकेज भी करते हैं एट टाइम्स मैं आपको मिसाल देता हूँ पिछले दिनों हमारे एक ट्रैफिक वार्डन ने एक मोटरसाइकिलिस्ट को रोका इशारा सिग्नल जंप करने पे उसने जब उसको हाथ दिया तो हाथ जब दिया जाहरी बात है वो आगे जा रहा है क्रॉस करके तो आगे खड़ा था उसका हाथ उसके मुंह पे लगा तो उसको जहरी बात हल्की सी चोट लगी होगी उसके पीछे एक रिक्शा भी था उन्होंने वहाँ से कॉल की एक बड़ी जीप के ऊपर कुछ और लोग आए और उन्होंने हमारे ट्रैफिक वार्डन के साथ हाथापाई की वो तो हमने उनको पकड़ भी लिया उन पर एफ भी दे दी ये माइंड सेट बता रहा हूँ अगर उस बच्चे ने वहाँ पर कॉल की अपने घर वालों को या किसी बड़े को उस बड़े को सोचना चाहिए था कि वो अपने छोटे बेटे को या भाई को या अपने कज़न को समझाता कि कानून का आपने पासदारी करनी है अगर आपको रोका है तो आप रुकें वी मस्ट रिस्पेक्ट दी लॉ और ये वाला जो एक फैक्टर है इसको अगर हम इनक्रेज करेंगे तो फिर ये ही आपको बदमाशी रोड्स पे नज़र आएगी लोगों के माइंडसेट भी चेंज नहीं होंगे गो के कानून हरकत में आया सारा कुछ हुआ लेकिन वो डैमेज जो था वो हो चुका तो ये अमूमी रवैये ऐसे बनते जा रहे हैं और ये अदम बर्दाश्त जो है ये भी पैदा हो रही है तो इसके ऊपर हमें हम सबको को मिलजुल कर अपना पार्ट प्ले करना है और सिटी ट्रैफिक पुलिस हमेशा से हमने उनको सिखाया है कि कर्टियस होना है आपने अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है अपना अखलाक अच्छा रखना है तो ये एक बड़े टफ़ हालात में नौकरी करते हैं धूप के अंदर बारिश के अंदर सर्दी के अंदर आपने साइकोलॉजिकल इश्यूज की बात की आ, लोगों को साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं लेकिन हमारे ट्रैफिक वार्डन्स भी तो बहुत जब्त का मुजाहरा करते हैं धूप हो बारिश हो तूफान हो आंधी हो वो दिन रात खड़े होकर लोगों की हिफाजत के लिए लोगों को और कवानी तोड़ने से बचाने के लिए खड़े रहते हैं उनके भी तो जब्त का हमें उनका साथ देना चाहिए उनको भी तो अप्रीशिएट करना चाहिए जी हाँ इसी में एक चीज़ ऐड मैं करूँ ये सिर्फ इसी तरह का नहीं है कि हमें इस तरह के रवैये मिलते हैं इसी सोसाइटी में बहुत अच्छे लोग भी हैं पैसे दोनों एक वीडियो वायरल हुई जिसमें हमारे सिटी ट्रैफिक के वार्डन फर्स्ट लॉकडाउन के अंदर खड़े थे और दो बच्चे बच्चियों ने आके फूल पेश किया उनको यहीं पे जब हम मास्क की कैंपेन कर रहे थे लोगों की जानों को महफूज़ कर रहे थे वहाँ पे एक और वीडियो बड़ी वायरल हुई जिसके अंदर एक मोटर मोटरसाइकिलिस्ट को हमारा ट्रैफिक वार्डन मास्क पहनाता है और इन रिटर्न उसको सल्यूट कर रहा है कई लोग आके पानी की बॉटल्स दे जाते हैं कई छतरियाँ दे जाते हैं तो हर किस्म का सोसाइटी में हर किस्म के लोग होते हैं लेकिन यह है कि दूसरी रवैयों वाले भी लोग हैं और अच्छे रवैयों वाले भी हैं तो हम सबको अपने गिरबान में झांकना है और अपने अपने इंटरनल अकाउंटेबिलिटी करनी है जी सर आपने चौदराहट और बदमाशी की बात की तो अक्सर जो लोग हैं वो जब उनका ट्रैफिक वार्डन चलान करते हैं तो वो फ़ोन निकालते हैं और रेफरेंस ढूंढना शुरू कर देते हैं इस हवाले से आप क्या कहेंगे बिल्कुल रवैया तब्दील होने की ज़रूरत है और बाहर आप सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप कोई इस तरह की हरकत करें बाहर के ममालिक में अगर ड्राइवर को कोई पुलिस ऑफिसर ऑन ड्यूटी वो रोकता है तो वो गाड़ी को कहते हैं पुल ओवर गाड़ी वो रोकता है उसकी एक एस ओ पी है कि उन्होंने स्टेरिंग पे हाथ रखना है उन्होंने मूव नहीं करना है और उस तरह करते हैं तो वो आगे से बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट करते हैं उनकी लॉ एन्फोर्समेंट एजेंसीज तो ये आहिस्ता आहिस्ता एजुकेशन के साथ साथ और हम सब जब तक अपना पार्ट प्ले नहीं करेंगे इसमें बेहतरी नहीं आ सकती सर क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि फीमेल्स के लिए ट्रैफिक फीमेल्स खातन तैनात कर दी जाएँ ताकि वो जो हरासा करने का इल्जाम लगाती हैं वो उससे बचा नहीं, जाए नहीं, ऐसा कोई नहीं है जी हरासा करने का अगर कोई किसी को रोक के ये बता रहा है कि आप हेलमेट पहन लें या उनको किसी को बता रहा है कि आप सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें तो अगर कोई कहे कि हरासा करें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और ना ऐसी मुझे अभी तक यहाँ पे आए हुए लगभग चार महीने से ज़्यादा हो गए तो मेरे पास कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं आई कि किसी ने हरासमेंट की कोई इस तरह की कम्प्लेन क्यों की हमारे जितने लाइसेंसिंग सेंटर्स हैं हमारे टिकटिंग ऑफिसेज हैं इवन फील्ड के अंदर भी हमारी लेडी ट्रैफिक वार्डन्स हैं और वो अपनी ड्यूटीज़ बड़े अच्छे तरीके से सर अंजाम दे रही हैं सर आवाम के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अवाम को यही मैसेज देना चाहूँगा कि इस वर्दी की रिस्पेक्ट करें कवानी का एहतराम करें कवानीन का एहतराम करके हम अपने आप का अपना कद ऊँचा कर सकते हैं एक हब्बुलवतनी को शो कर सकते हैं ना के बदमाशी करके कानून को फ्लाउट करके वो अगर करेंगे तो हम अपनी ही तजलील करेंगे अपनी फैमिली की तजलील करेंगे और उससे कभी भी नेकनामी नहीं हो सकती